हरियाणा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें झारखंड पर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर झारखंड में तकरीबन हर पार्टी ने अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। हालांकि अभी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जनता को रिझाने में बीजेपी और ज्यादा दमखम के साथ जुट गई है। चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने आरडाइन टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ये देखिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। मैं सब बात करने के मोह माथुर जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के प्रभारी भी हैं। सर, अप्रत्याशित परिणाम, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि दोनों जगह सरकार रिटेन करेगी। देखिए, महाराष्ट्र में तो बहुमत है हमारा स्पष्ट। हाँ, हरियाणा के जरूर परिणाम जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे वैसा नहीं हुआ है। पार्टी निश्चित रूप से विश्लेषण करेंगे और जो भी वहाँ इंचार्ज थे या जो भी वहाँ तो भी शाम को 5 बजे बैठ रहे हैं, निश्चित रूप से उससे विश्लेषण होगा। प्रभाव झारखंड के चुनाव भी पड़ सकता है? नहीं, देखिए, किसी प्रदेश का कहीं प्रभाव नहीं पड़ता है और झारखंड की एक अलग स्थिति है कि कोई कहीं प्रदेश नहीं, बल्कि इससे हमें और एक सावधानी रहने की मौका मिला है। इसलिए मैं इसको उस भाव से नहीं देखता। मैं तो वैसे भी चुनावों में जब जाता हूँ तो हर छोटे बड़े चुनाव को चुनौती मान के लड़ता हूँ मैदान में। पिछली बार भी जब हम महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे, मैं प्रभारी था तो अकेले 122 सीट जीत के आए थे। तो निश्चित रूप से इस पर विश्लेषण होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी और जो भी वहाँ के इंचार्ज रहे हैं वो निश्चित रूप से इस पर अपना विश्लेषण करके इसका कोई ना कोई कहाँ रही कमी, क्या कसर रही। तो हमें एक मौका है कि जो वहाँ कमी रही कम से कम हम वो भूल झारखंड में नहीं करें, तो एक मौका दिया हमको। कांग्रेस मृत प्राय हो गई थी, अब जीवित हो गई इस चुनाव से? नहीं, देखिए, कांग्रेस जीवित होने का बात मत करिए आप। कांग्रेस कहीं जीवित नहीं होने वाली है। 2 दिन उनको मीडिया का मौका मिलेगा, वो बोलेंगे जरूर, उनके वोट परसेंटेज बड़े होंगे 4-5 सीट जीतने से या कुछ होगा, लेकिन अगर उससे, और मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत होता तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा उतनी सरकार अच्छी चलेगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। टारगेट आपने फिक्स किया झारखंड के लिए सर, इस बार 25 का टारगेट हरियाणा में था, वो अचीव नहीं हो पाया। देखिए, हरियाणा को झारखंड से मत जोड़िए। हमने 65 टारगेट दिया है और आप रिजल्ट के दिन निश्चित रूप से मेरा इसी तरह से इंटरव्यू लेना। थैंक यू सर। ये थे ओम माथुर जो झारखंड के प्रभारी, जिनका दावा है कि बीजेपी 65 का आंकड़ा झारखंड में पार करेगी। कमलेश सिंह, आर9 टीवी, दिल्ली।